यातायात विभाग के लाख प्रयास के बावजूद शहर में भारी वाहनों का प्रवेश थमने का नाम नहीं ले रहा और इन्हीं भारी वाहनों के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। सोमवार को शहर के सिया मैरिज गार्डन के पास राजस्थान पास में एक ट्रक चालक ने तेजी और लापरवाही से वाहन को चलाते हुए स्कूटी सवार बाप बेटों में टक्कर मार दी। इतना ही नहीं, एक बाइक सवार को भी उड़ा दिया। घटना के बाद मौके पर भीड़ लग गई। ट्रक के चालक को पुलिस ने धर दबोचा और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार दोपहर के समय स्कूटी पर सवार होकर कपिल राठौर 25 साल अपना पिता मुकेश राठौर 60 साल निवासी फतेहपुर रोड के साथ जा रहे थे, तभी पीछे से आ रहे एक चालक ने तेज रफ्तार से ट्रक को चलाते हुए सिया मैरिज गार्डन के पास स्कूल सवार पिता पुत्र में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से स्कूटी सवार पिता पुत्र नीचे गिर गया और घायल हो गए। इसके बाद ट्रक चालक ने वाहन को रोका नहीं और मुकेश पुत्र लक्ष्मी नारायण राठौर 50 साल निवासी 28 नंबर कोठी की बाइक में टक्कर मार दी, जिससे वो भी घायल हो गए। वहीं घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों ने ट्रक के ड्राइवर को दबोच लिया और मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और चालक को गिरफ्तार कर घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। तुम कैसे थे? मोटरसाइकिल से। और भी लोगों को लगी होगी क्या? बहुत लोगों को लगी, मुझे मालूम नहीं, 5-5 लोगों को लगी। जी, अभी एक्सीडेंट हुआ है सिया गार्डन के पास में, राजस्थान पास ट्रक है, इसके जो ड्राइवर ने जो तेजी व लापरवाही चलाकर टक्कर मार दी। दो लोग घायल हुए, दो लोगों को अस्पताल लेके आए हैं हम, और भी दिखवा रहे हैं, अगर और कोई घायल होगा उनका भी इलाज कराएंगे अपन। हाँ, ट्रक वाला को पकड़ लिया है सर। ये अभी एक बड़ा ट्रक न्यू एंट्री में घुस आया था, किस तरह से घुस आया और उसने ना कुछ गाड़ियों को भी रौंद दिया है, कुछ लोग घायल हुए, क्या पूरा मामला? आज दोपहर की घटना है जिसमें हमारा गुना नाके पॉइंट पर लगा हुआ था, जहाँ उसने इसको ट्रक को रोका, क्योंकि गुना नाके से आप शहर में नो एंट्री करके रखा है हम लोगों ने, तो इसको रोका तो वो रुका था वहाँ, और इसे हमारे आरक्षक द्वारा बताया गया कि आगे नो एंट्री है, आप ट्रक को वापस करिए, वापस लेके जाइए, लेकिन उसने बैक करने की जगह आगे बढ़ाकर चला गया और आरक्षक की भी उसने चढ़ाने का प्रयास किया था। तो बैरिकेड लगे हैं, लेकिन इतना क्योंकि बसों के लिए जगह तो है निकलने की, बसें निकलती हैं ना, इसलिए तो उसने सेट पे पॉइंट भी दिया था वायरलेस सेट पे कि ऐसे इतना क्रमांक वाहन यहाँ से निकल कर गया है, तो उसको पौरी चौराहे पॉइंट हमारा भी एक और लगा है, उसके रुकवाने के लिए ये सेट पे चला हुआ था। तब तक वो फतेहपुर के आसपास जो सिया गार्डन है वहाँ तक उसने एक्सीडेंट कर दिया। अभी पता चला है कि उसके दारू के नशे में था, शराब के नशे में, उसका अभी मेडिकल कराया जा रहा है और घायलों को अस्पताल ही पहुँचा दिया गया है।